इस वक्त की वड्डी खबर तमिलनाडु के कन्नूर तो सामने आ रही है, जिथे एक सेना का हैलीकॉप्टर क्रैश होया है। जानकारी मुताबिक CDS बिपिन रावत इस हैलीकॉप्टर के सवार सन। दस दिए कि उन्होंने नाल उन्हों की पत्नी मधुलिका रावत भी इस हैलीकॉप्टर के सवार सन। तमिलनाडु के कन्नूर तो सामने आया ये मामला, जिथे हैलीकॉप्टर जो है वह क्रैश होया। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, CDS बिपिन रावत का हैलीकॉप्टर जो है वह तमिलनाडु के कन्नूर दे कोल जाके हादसा ग्रस्त होया। हादसा इन्ना भयानक कि तस्वीर तो तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि किस कदर जदों हैलीकॉप्टर क्रैश हुंदा तां तुरंत अग दियां लपटां जो ने उसदे विचों देखण नूं मिलदियां ने। फिलहाल राहत ते बचाव कार्य जो है वह लगातार जारी है। जानकारी मुताबिक 9 होर लोग भी जो इस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सन, दस्सिया जा रहा है कि वह भी सेना दे सीनियर अधिकारी सन। दस दिए कि जो सूत्रां दे हवाले तो जानकारी निकल के सामने आई है कि 2 लोगों की इस हादसे दे विच मौत हो जाण दा मामला भी सामने आया। फिलहाल जो एक खबर है वह केंद्र तक पहुँच चुकी है, तो केंद्र दे वल्लों एमरजेंसी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग जो है वह सद ली गई है। तो कहा जा सकता है कि एक वड्डा हादसा तमिलनाडु के कन्नूर दे कोल होया, जिथे एक सेना का हैलीकॉप्टर जो है वह क्रैश होया। तो जानकारी मुताबिक CDS बिपिन रावत इस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सन, तो उन्हां दी पत्नी मधुलिका रावत भी उन्हां दे नाल मौजूद सन। सेना के सीनियर अधिकारी दस्या जा रहा है कि सेना के कई सीनियर अधिकारी भी इस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सन। तो फिलहाल जो तुहानू लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं उस दे विच कहा जा रहा है कि राहत ते बचाव कार्य जो है वह लगातार जारी है। तो जो हैलीकॉप्टर दे विच अग लगी सी उसके उत्ते काबू जो है वह पाया जा रहा। तो वड्डी खबर तमिलनाडु के कन्नूर तो सामने आई है, जिथे CDS जनरल बिपिन रावत का हैलीकॉप्टर जो है वह हादसा ग्रस्त होया। कहा जा रहा है कि इस हैलीकॉप्टर के करीब 9 होर लोग भी सवार सन, जिस दे विच उनां दे पत्नी मधुलिका रावत भी सवार सन। फिलहाल जानकारी जो निकल के सामने आई है कि जो जख्मी ने उन्होंने तुरंत नज़दीक के हस्पताल के दाखिल करवा दिता गया। तो सूत्रों के हवाले तो जानकारी जो है वह निकल के सामने आई है कि करीब इस हादसे के 2 लोगों की जो है वह मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की वड्डी खबर तमिलनाडु के कन्नूर तो सामने आ रही है, जिथे एक सेना का हैलीकॉप्टर क्रैश होया है। जानकारी मुताबिक CDS बिपिन रावत इस हैलीकॉप्टर के सवार सन। दस दिए कि उन्होंने नाल उन्हों की पत्नी मधुलिका रावत भी इस हैलीकॉप्टर के सवार सन। तमिलनाडु के कन्नूर तो सामने आया ये मामला, जिथे हैलीकॉप्टर जो है वह क्रैश होया। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, CDS बिपिन रावत का हैलीकॉप्टर जो है वह तमिलनाडु के कन्नूर दे कोल जाके हादसा ग्रस्त होया। हादसा इन्ना भयानक कि तस्वीर तो तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि किस कदर जदों हैलीकॉप्टर क्रैश हुंदा तां तुरंत अग दियां लपटां जो ने उसदे विचों देखण नूं मिलदियां ने। फिलहाल राहत ते बचाव कार्य जो है वह लगातार जारी है। जानकारी मुताबिक 9 होर लोग भी जो इस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सन, दस्या जा रहा है कि वह भी सेना दे सीनियर अधिकारी सन। दस दिए कि जो सूत्रों के हवाले तो जानकारी निकल के सामने आई है कि 2 लोगों की इस हादसे दे विच मौत हो जाण दा मामला भी सामने आया। फिलहाल जो एक खबर है वह केंद्र तक पहुँच चुकी है, तो केंद्र दे वल्लों एमरजेंसी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग जो है वह सद ली गई है। तो कहा जा सकता है कि एक वड्डा हादसा तमिलनाडु के कन्नूर दे कोल होया, जिथे एक सेना का हैलीकॉप्टर जो है वह क्रैश होया। तो जानकारी मुताबिक CDS बिपिन रावत इस हैलीकॉप्टर के सवार सन, तो उन्हों की पत्नी मधुलिका रावत भी उन्होंने नाल मौजूद सन। सेना के सीनियर अधिकारी दस्या जा रहा है कि सेना के कई सीनियर अधिकारी भी इस हैलीकॉप्टर के सवार सन। तो फिलहाल जो तुहानू लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं उस दे विच कहा जा रहा है कि राहत ते बचाव कार्य जो है वह लगातार जारी है। तो जो हैलीकॉप्टर के अग लगी सी उसके उत्ते काबू जो है वह पाया जा रहा। तो वड्डी खबर तमिलनाडु के कन्नूर तो सामने आई है, जिथे CDS जनरल बिपिन रावत का हैलीकॉप्टर जो है वह हादसा ग्रस्त होया। कहा जा रहा है कि इस हैलीकॉप्टर के करीब 9 होर लोग भी सवार सन, जिस दे विच उन्हां दे पत्नी मधुलिका रावत भी सवार सन। फिलहाल जानकारी जो निकल के सामने आई है कि जो जख्मी ने उन्हां नूं तुरंत नज़दीक के हस्पताल के दाखिल करवा दिता गया। तो सूत्रों के हवाले तो जानकारी जो है वह निकल के सामने आई है कि करीब इस हादसे के 2 लोगों की जो है वह मौत भी हो चुकी है। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ।
ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।